सुपर फास्ट खबरों के बाद आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए जो अगली बड़ी खबर है वो अमेठी से है। अमेठी जहां पर मुहर्रम जुलूस निकाला गया और मुहर्रम जुलूस में कुछ विवादित नारे भी लगे हैं। जुलूस में शामिल लोगों ने नारेबाजी यहां पर की। अमेठी के मुसाफिर खाना इलाके में ये नारेबाजी की गई है जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जांच अब पुलिस कर रही है। पुलिस ने कई आरोपियों को इस चक्कर में हिरासत में भी लिया है। यहाँ पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी की है। अमेठी में मुहर्रम जुलूस के दौरान ही ये सभी लोग इकट्ठा हुए थे और यहाँ इकट्ठा होकर विवादित नारेबाजी इन लोगों के जरिए की गई। सोशल मीडिया पर अब ये तस्वीरें वायरल है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं उनमें जो ऑडियो है वो ऑडियो ठीक है या फिर उसमें किसी भी तरीके से कोई छेड़खानी की गई है। अमेठी से तस्वीर सामने आई है। अमेठी जहां पर मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था और उसी दौरान ये तस्वीरें सामने आईं। कुछ लोग वहां पर मौजूद थे, नारे लगा रहे थे, कुछ लोगों ने हाथों में मोबाइल लिए हुए थे, इन्हीं मोबाइल के ज़रिए वीडियो बनाए जा रहे थे और वीडियो में ही ये नारे कैद हो गए। हालांकि ये अभी पुलिस जाँच कर रही है कि ये जो नारे लगाए गए, ये जो नारे लगाने वाले लोग हैं ये कौन हैं, कितने की संख्या में हैं और क्या वीडियो में जो सुनाई दे रहे नारे हैं वो ठीक हैं या फिर नहीं। आपको बता दें कि ये विवादित नारे लगाए गए और इन नारों में कहा गया कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है। इस तरीके की बातें बार बार रिपीट इन नारों में की गई और ये नारे लगाने वाले लोग जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं इन्हीं चेहरों में से कुछ चेहरे पुलिस ने पहचाने हैं और कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। इन विवादित नारों के बाद अब सोशल मीडिया पर एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है। कट्टरपंथी नारेबाजी की जगह हिंदुस्तान में नहीं है और इसीलिए अब कुछ संदिग्ध जो हिरासत में लिए गए हैं उनसे पूछताछ भी जारी है। अमेठी में विवादित नारा किसने लगाया, क्यों लगाया और क्या किसी के कहने पर लगाया, ये सभी बातें जांच का विषय बनी हुई हैं। मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था उसी दौरान ये घटना सामने आई। ये वीडियो उसी दौरान का है जब सामने आया और अगर आप गौर से देखेंगे ये कम उम्र के जो युवक हैं वो इस तस्वीर में नज़र आ रहे हैं और उन्हीं के ज़रिए ये कहा गया कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है। इस तरह के नारे इन युवकों के ज़रिए लगाए गए, वो भी बीच सड़क पर, बीच रोड पर, जब मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था उसी दौरान ये नारे लगाए गए। थाना मुसाफिरखाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। वीडियो में दिख रहे लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है, साथ ही उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वीडियो की भी जांच कराई जा रही है, जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। ये धमकीदार नारे लगाए जाते रहे, ऐसी स्थिति में पूरे समाज में बड़ा भय उत्पन्न हो रहा है। समाज के लोग बार बार फोन करके मुझे इस घटना की जानकारी दे रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग करता हूं। इस तरीके से आतंकवादी सोच के लोगों का संगठन हिंदुस्तान के लोगों पर अपनी छाप डालता जा रहा है, इनकी जड़ें पाकिस्तान तक होती जा रही हैं और ये हिंदुस्तान में रह करके इस तरीके की सांप्रदायिक दंगे की शुरुआत कराना चाहते हैं। कहीं ना कहीं से इनके साथ कोई बड़ी साजिश करने वाले लोगों का हाथ है। हमें तो लगता है कि राजनैतिक नेताओं का संरक्षण भी नहीं प्राप्त है, इसलिए जो लोग भी ऐसी असंवैधानिक रूप से उद्दंडता कर रहे हैं उनके खिलाफ तत्काल मुकदमा लिख करके उनको जेल भेजा जाए, या मैं संसमाज की ओर से मांग करता हूं। और यदि ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में निश्चित रूप से सांप्रदायिक दंगा फैलेगा, उसका जिम्मेदार यह वही दोषी समाज होगा जिसने इस तरीके की नारे लगाई है।
अधिकारी कह रहे हैं इस पूरे मामले की जांच हो रही है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि हिंदू धर्म गुरु यमोनी महाराज को आपने सुना जो कह रहे हैं, हो सकता है इसके पीछे राजनीतिक पार्टियों का भी हाथ हो। रवि कुमार इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर को लेकर। रवि, कुछ लोगों को जिन्हें हिरासत में लिया गया है उनसे पूछताछ में अब तक क्या जानकारी सामने आई, इन विवादित नारों की जरूरत मुहर्रम के जुलूस में आखिर क्या थी? तौर पर ये पूरा जो नारेबाजी की गई है, उस नारेबाजी का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हुआ, उसको लेकर हिंदूवादी संगठनों की तरफ से जरूर इस पूरे नारेबाजी को लेकर नाराजगी हो जताई जा रही है, और जाहिर इस पूरे मामले का संज्ञान भी पुलिस ने लिया है। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पूरे वीडियो की जहाँ जाँच कराने की बात कही जा रही है, वहीं 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है, मामला दर्ज कर लिया गया है, उस पूरे मामले की जाँच पुलिस की तरफ से की जा रही है, वहीं वीडियो की जाँच के आधार पर बाकी की चीज़ें की जाएगी। क्या कुछ स्थिति बनी और ये जो भी नारेबाजी की गई उसके पीछे इनकी मंशा क्या थी, माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी या जो भी कुछ था, फिलहाल उसको लेकर आप या ये किसी साजिश का भी हिस्सा तो नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से जांच की बात जरूर की जा रही है। 7 लोग को पुलिस ने हिरासत में लिया है, मामला दर्ज कर लिया है, वीडियो की पुलिस जांच कराने की बात कर रही है, इस पूरे मामले की जांच कराने की बात की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जरूर जो बयानबाजी वो जरूर सामने आ रही है, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से जाँच की जा रही है, 7 लोगों को हिरासत में लिया गया जिनसे पूछताछ की जा रही है। जी, आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है, कब की ये घटना है? और अगर इस वीडियो को ध्यान से देखा जाए रवि, बहुत कम उम्र के ये लड़के हैं जिनके जरिए ये नारे लगाए गए हैं, हो सकता है किसी ने भड़काने, बरगलाने या बहकाने की कोशिश की हो, या फिर उन्हीं में से किसी एक ने नारा लगाया हो और पीछे पीछे बाकी जो लड़के हैं उनके जरिए भी नारा बुलंद किया गया हो। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले की जांच की बात पुलिस तरफ से की जा रही है, और जो लोग हैं उन 7 लोगों को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है। ये जो उनकी आपत्ति नारे लगाने की का जो पूरा वीडियो है, उस वीडियो का भी संज्ञान पुलिस ने लिया है, और उस वीडियो की जांच कराने की बात पुलिस तरफ से कही जा रही है। इस पूरे नारेबाजी के पीछे मकसद क्या था, इसी को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है, इनको किसी ने उकसाया था या खुद से इन्होंने नारेबाजी लगाई, आखिर इनका मकसद क्या था और क्या इनके साथ और भी लोग थे जिन्होंने इनको ये नारे लगाने के लिए उकसाया था, या कुछ भी जो भी चीज़ें थी उसको लेकर ही पुलिस की तरफ से इनको पूछताछ करने की बात कही जा रही है। और इस पूरे मामले की अगर पीछे कोई और भी है तो उसको भी लेकर पुलिस उस पर भी कार्रवाई कर सकती है। फिलहाल अभी पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए 7 लोगों को हिरासत में लिया गया, उस पूरे मामले की जाँच पुलिस तरफ से की जा रही है, उस पूरे मामले का जो सच है वो तलाशने यानी उसको जानने की पुलिस की तरफ कोशिश की जा रही है, ताकि ये जो पूरा घटनाक्रम है सोशल मीडिया पर जो पूरा जो नारेबाजी का नारेबाजी का वीडियो है उसका सच पुलिस के सामने लाने की कोशिश करी, ताकि इन सभी जो भी ये 7 लोग हिरासत में लेके इनसे पूछताछ की जा रही है, और बाकी वीडियो की जांच भी के बाद पुलिस तरफ से कही जा रही है। आप कह रहे हैं कि 7 लोगों को हिरासत में लेकर जांच जारी है। रवि, चूंकि जब जब इस तरह के वीडियो सामने आते हैं सबसे पहले तो ये प्राथमिकता रहती है कि उस वीडियो की जाँच हो, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ हो, वीडियो कुछ और होता है, कई बार ऑडियो कुछ और उसमें इंसर्ट कर दी जाती है, वीडियो के सही पाया गया है जाँच में? किसी बात की जांच के बाद पुलिस तब तक कही जा रही है, इस पूरी वीडियो का परीक्षण कराया जाएगा, और वीडियो में जो चीज़ें दिखाई दे रही है वो कितनी सच है, और अगर जो जो लोग हिरासत में लिए गए हैं उनकी संख्या क्या है, नारे लगाने वाले लोग अगर यही हैं तो उनकी मंशा क्या थी, माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी या किसी उकसाने पैसा किया गया, तो जाहिर है कि 7 लोग फिलहाल अभी पुलिस की हिरासत में, उनसे पूछताछ की जा रही है, इस नारी जो अपने नारे लगाए गए हैं उसके पीछे जानने का सच पुलिस प्रयास कर रही है। और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो हिंदूवादी संगठन की तरफ से जरूर घोर आपत्ति जताई गई है, इस पूरे मामले को लेकर निंदा की जा रही है, इस पूरे मामले में जो भी जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, और इस पूरे वीडियो की जाँच की बात पुलिस तरफ से कही जा रही है, उसी आधार पर पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि आगे कार्रवाई की जाएगी। जी, अच्छा, कुछ लोग नाबालिग भी नजर आ रहे हैं रवि, जब आपने कहा 7 लोग हिरासत में लिए गए हैं, क्या ये सभी बालिग हैं? और वीडियो में चूंकि बहुत से ऐसे नाबालिग लड़के भी दिखाई दे रहे हैं, क्या ऐसा कोई एक्शन होगा जो नाबालिगों के खिलाफ भी होगा? देखिए, नियमानुसार पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो फिलहाल की जाए। फिलहाल 7 लोग इस पूरे मामले को लेकर हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, वीडियो की जांच कराने की बात कही जा रही है, वीडियो का सच जानने की कोशिश की जा रही है, और जो भी लोग हिरासत में लिए गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, ताकि आप इसके जो पूरी नारेबाजी उनकी तरफ से